بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات واتينا عيسى ابن مريم البينات وايدناه بروح القدس. خذك الرسول رسول هيك بعد इन में से हमने बास को बास पर फलत दी अल्लाह रब ख़ ख़ुद फरमाते हैं कोई ऐसा था इनमें से जिसको ये शरफ़ हासिल हुआ कि अल्लाह ने उससे कलाम फरमाया बर रास्त और उनको दर्ज़ात में कमाल बुलंदी था फरमाई और ये सब ने साब ने मरियम को रोशन निशानियाँ दीं और रोहलकुदस के साथ उसकी मदद फरमाई मलोशा अल्लाम मक्त लदी मबादिम बदमा अचात मब्य और अगर अल्लाह अगर चाहता तो न झगड़ते लड़ाई दंगा फ़साद न करते इनके बाद यानि एम के जाने के बाद वो लोग की जिनके पास रोशन निशानियाँ तो आ चुकी थीं मलाकिन अख्तलफ लेकिन उन्होंने इख्तलाफ ही किया झगड़ा ही किया फमिन आमना ममिन हमन कफ़र उनमें से कोई वो जिसको ईमान लाना नसीब हुआ ये जो इख्तलाफ है ईमान और कुफर का किसी को ईमान लाना नसीब हुआ इस झगड़े में इस निज़ा के अंदर अमिन हमन कफर और किसी ने कफर किया दोबारा वो इन्फोर्स हो रही है वो बात बलो उशा अल्लाम और अगर अल्लाह चाहता तो दीन के मौजू पर इंसानों के मा ये लड़ाई ये झगड़ा ये नज़ा ना होता अल्लाह अगर चाहता गोया ये अल्लाह की मशीयत है और जो मशीयत है वो किसी वजह से उसका मकसूद है भला किन्न भले उशा अल्लाम्ला चाहता तो वो ना लड़ाई करते ना निजा करते ना झगड़ते भला किन् फ़ाल मायूरी लेकिन अल्लाह जो इरादा फरमाता है करता है अल्लाह का इरादा अल्लाह की मर्जी वो जो है ना जी मेरी मर्जी नहीं बला किन् फ़ाल मायूरी मर्जी अल्लाह की इरादा मशीयत फैसला अल्लाह का यहाँ तक कि एक ऐसी बात जो बज़ाहिर आपको समझ तक नहीं आती जी अल्लाह है वो को पूछने वाला नहीं है और उसकी हमत अगर किसी मकाम पे आपको समझ आ जाए तो वो अलग से मकाम शुक्र है सुभान अल्लाह उसकी यानी कज़ा तकदीर वो मूसा और खजर का वाक़ शायद अल्लाह में मौका दे तो वो तो आप दंग रह जाते हैं और अहल ने कहा कि ये अल्लाह ताला की खास मेहरबानी थी कि किस्सा बयान फरमाया तो उसके बाद खिदर की ज़बान से उसकी कुछ तोजीहत हमें बत बता कि खास उसकी तो हम तो बिल्कुल हैरान परेशान थे लेकिन वो जब वो खिदर ने वो बात तो ठीक है कुछ बातें सारी बातें समझ ही नहीं आ सकती कुछ बातें हमें समझ आई तो खुदा की कदा और उसकी तकदीर और ये कायनाती वाकयात में बहुत कुछ जो वो कहते ना डजेंट मेक सेंस मतलब ये आपकी छोटी सी खोपड़ी में नहीं पढ़ सका बहुत छोटी है ये तो ज़रूरी नहीं है कि उसके सारे जो अमूर हैं वो पाबंद हों इस खोपड़ी में आने के और ये सारा कुछ ही इसके अंदर आ जाए अच्छा लेकिन ये है कि अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो समझ आई और हमारा शश उठे तो ये अलग से मकाम शुक्र है और अगर नहीं समझ आ सकी तो वो खुदा है वो खुदा है ये जिसपे बहुत इतरार है वो ना ये जी अक्ल अकल अकल ये उसकी एक नेमत है अता है ये उसके ऊपर हकम बनने के लिए और उसके ऊपर खुदा बनने के लिए उसको अपने कटहरे में लाखड़ा करने के लिए बहुत मतकबर है ये इंसान बहुत मतकबर है तो इधर क्या है आ, कोशिश इधर भी होती है वो आगे आगे थोड़ा सा वो हमारे पास मौका नहीं है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम हत्ता के अरीनी तो मौत ये कैफिल तुझसस्त है बहुत सारा कुछ ये इंसान है बिल्कुल जैसे बच्चा है वो बड़ों की बातें इधर बच्चे पूछते तो हैं ना बच्चे और बहुत कुछ पूछते हैं जो बात बताने की होती है बड़े बताते हैं बहुत सारा कुछ है बच्चे जो है वो हर घर में वो होता है वो, वो बच्चे का वो जो है वो छोटा भाई पैदा हुआ जी कहाँ से आए बताते हैं उसको कुछ जी कह, कहाँ बच्चा छोटा है वो कहाँ से आए कैसे आया अम्मा के पेट में कैसे आ गया जी कुछ बता, बता तो ये है कि बड़ों के जो बताने की बात होती है वो बताते हैं और जो नहीं बताते बेटा बच्चे हो मतलब तो वो ही है तो ये कोई नस्बत तनासब नहीं है ये जो भी हमने बताया ना बच्चा इसका तजस और उधर बड़े सब कुछ नहीं बताते हैं जो बताने के हैं वो बताते हैं नहीं बहुत कुछ है वो कहते हैं बेटा इंतज़ार करो बड़े हो जाओगे तो तुम्हें समझ आ जाएगी ये जो नस्बत तनासब है बच्चे और बड़े का ये हब और खुदा का मापूद का वो तनासब नहीं है तो जाहिर है कि वो जैसे सैद कुतुब कहते हैं कि ऐसी कुछ चीज़ें हैं यानी आपको कुछ बता दिया जाए बहुत सारे जो आलतें हैं और जो रीज़न्स हैं जो बज़ाहिर आपको समझ नहीं आती हैं खुदा के अफाल के हवाले से तो कहते हैं कि यानी तकदीर के, के, के हवाले से उनका उनकी बात हो रही है कहते हैं कि फ़र्ज कर लें ये ना कि मुझे जवाब मिलना चाहिए हाजिर होना चाहिए जवाब फ़र्ज़ कर लें कि एक जवाब आपको बता दिया जाए लेकिन बात चीज़ों की इक्वेस इतनी बड़ी बड़ी होंगी इतनी बड़ी बड़ी होंगी जैसे एक जवाब है आप अनलेस कि आप बहुत को पी से भी को पोस्ट ग्रेजुएट से भी ऊपर को की कोई हो मतलब आप मैथेमेटिशियन हो एक जवाब ऐसा हो सकता है कि आप वो उस लेवल पे हों तो वही आपको वरना आपको वो दे भी दिया जाए जवाब आपको वो जवाब दे भी दिया जाए तो भी आप कहेंगे क्या कहा तो फिर कह देंगे फिर आप कहेंगे क्या सर जवाब है जवाब भी समझ समय जवाब समझ लेने के लिए भी हो सकता है आपको एक लेवल चाहिए और ये भी हो सकता है कि कुछ देती ऐसी कि आप बीस हज़ार मैथमेटिशन का दिमाग इकट्ठा कर लिया जाए फिर भी उनसे ऊपर की चीज़ तो हो नहीं सकती कि कायनात कोई छोटी चीज़ तो नहीं है ना ये कायनात कोई छोटी चीज़ तो नहीं है ना किसी ने इनको पैदा किया है और उसके लिए कहते हैं मेरे लिए तो कोई मसला ही नहीं था मेरे लिए तो कोई मसला ही नहीं था और इससे बड़ा जहान जो है आखिरत पैदा करना है वो भी मेरे लिए कोई मसला नहीं है तो वो तो है खुदा तो वो सही तो कहते हैं कि कोई चीज़ें जो हैं वो फ़र्ज़ कर लें कोई जवाब आपको दे भी दिया जाए लेकिन ये अलग से आपकी ज़रूरत होगी आप यानी आपकी ज़रूरत एक नहीं है कि आपको जवाब चाहिए और आपको ऐसे अकल को लें इधर बताए और इधर आप कहते हैं ऐसा हो सकता है कि आपको जवाब भी चाहिए हो और उस जवाब को पूरी तरीके से समझने के लिए वो कोई इतना बड़ा बर्तन भी हो जिसमें वो बढ़ जा हो सकता है बर्तन छोटा हो ये कुछ चीज़ें कायनात की इतनी बड़ी होंगी इसमें आ, आने वाली ही ना हो तो इधर क्या है इधर रजा है मतलब मैं बंदा मैं अब्द और वो खुदा यानी तवर कर ले ये और ख़ास ये इस दौर में हुआ है यानी खुदा पर एतराज़ खुदा की कॉन्ट्राडिक्शंस खुदा से की गलतियों का माशा गलतियाँ खुदा की ये जो छोटी सी पिद्दी सी मखलूक है ये वो करेगी और इसको समझे ये अक्ल है ये अकल है और ये इंटेलेक्ट है और ये रीज़न है कि इतनी बड़ी कायन को पैदा करने वाला खुदा जो है वो उससे अस्फ़र अल्लाह क्या क्या जो है ना वो डिस्क्रपेंसी जो हैं वो सरसद हुई हैं तो वो कहते हैं कि कुछ चीज़ों को समझने के लिए हो सकता है आपको एक बहुत बड़ा मैथेमटिशन होना ज़रूरी हो आपका वरना आपके पल्ले ही ना पड़े कुछ चीज़ों को समझने के लिए बहुत बड़ा इंजीनियर आपका होना ज़रूरी हो वरना आपके पल्ले ही ना पड़े किसी चीज़ को समझने के लिए बहुत बड़ा आपको डॉक्टर होना चाहिए झट से आपको जवाब दे दिया तो आपको समझ नहीं आई अनलेस कि आप एक बहुत बड़े तबीब थे और पता नहीं मेडिकल साइंस का क्या उसको समझ आ जाती है कि अच्छा ये क्या जवाब दिया गया है तो कुछ चीज़ों को समझने के लिए आपका जो है ना वो डॉक्टर होना जरूरी हो तो कहते हैं इसी तरीके से कुछ चीज़ों के समझने के लिए ये भी तो हो सकता है ना कि आपका खुदा होना जरूरी हो क्या ख्याल है यानी वो पल्ले ही ना पढ़ने वाली हो अनलेस कि आप खुदा हो और उसके बाद बड़ी खूबसूरत बात करते हैं ज़ाहिर है वो कभी वक्त नहीं आने वाला कि जिस दिन आप खुदा हो जाए तो कहते हैं कि ये इस हर दीन इस्लाम के अंदर हर शख्स को मुतमिन करने का सामान मौजूद है सवायिक ऐसे आदमी के जिसको अब्द बनना अब्द बनना उसको कबूल नहीं है और खुदा बनना उसके बस में नहीं है अब्द बनना उसको कबूल नहीं है वो इस पर राज़ी नहीं है और खुदा बनना उसके बस में नहीं है तो कहते हैं कि ऐसे आदमी को सेटिस्फाई करना हमारी मजबूरी कब से हुई है कहते हैं ऐसे बंदे के लिए तो इस कहते हैं हर शख़्स के लिए इस कायनात के अंदर जगह है एक ऐसे शख्स के लिए कि जो अब रहता नहीं है और खुदा बन नहीं सकता है कभी भी तो ऐसे बंदे के लिए तो कायनात में जगह नहीं है हम क्यों उसके लिए खरोते फिरें और उसको जो है ना सेटिस्फाई करते फिरें खुदा खुदा है और ये अनदेखी फंसी हम तो वैसे ही उस पर ईमान लेकर आएँ और फिर उसकी हकमत और उसकी दानाई और पोशीदा अमूर से पे उसका मतलब होना और माँ का न व माँ यकून व माँ लौलम लौका न केफ़स यकून वो सारा कुछ जो है जो उसका आलम है तो हम उस पर छोड़ते हैं तो ये जो है किसी को किसी का गुमराह होना अब यहाँ पर बात तो मतलब यही हो रही थी बलोशालामिन हमन अमन वमिन हमन कफ़र कोई ईमान लेकर आया और कोई किसी ने जो है वो कफ़र किया तो ये जो नज़ा है और इस में से वो किसी को हिदायत देगा और हिदायत सिर्फ़ उसके हाथ में है और वो बायदा असूलों पर है जो सारे के सारे जो उसके यहाँ कौनसिडर होते हैं पेश नज़र रखे जाते हैं जिनकी बुनियाद पर वो किसी को तोफ़ी देता है कि ये उसकी इबादत करे और उसको माने और कुछ ऐसे मतकबर होते हैं कि जिसको ये नहीं नसीब होता वो जैसे किसी खुदा शनाज ने कहा कि मारफ़त जो है मारफ़त वो बिसात है जिसमें वो अपनों के सिवा किसी को कदम नहीं धरने देता मतलब ये वो ये तो एक एक एक, एक शरफ़ है वो अता करेगा सो होगा नहीं करेगा तो आपके पास सारा कुछ ला रख दिया जाए आपको हिदायत नसीब नहीं होगी उसके असूल हैं मगर वो अपनी पूरी तफस के साथ उसी को मालूम होते हैं तो बहरहाल हिदायत जो है ये एक ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है कि सबसे ज़्यादा रोते हैं तलब जो इस चीज़ के लिए मतलब ये खुदा की मोहब्बत नसीब हो जाए ये तो खालस अता है वो नसीब है तो उसकी मोहब्बत नसीब हो जाए उसकी खशियत नसीब हो जाए और एन वो हालत नसीब हो जाए जो उसके यहाँ कबूल होती है तो ये जिसको फमिन हम आमन जिसको ईमान कहते हैं तो ये उसकी देन है अलबत् इंसानों का जो है वो निज़ा करना और इख्लाफ करना और ताकि ये मालूम हो कि अगर किसी को नसीब हुआ है तो वो कैसी नायाब चीज़ है जो उसको मिली और उसको अता हुई तो ये एक वाक़ है और बिल्कुल शुरू के अंदर जो हमारा जो मुकदमा था वो भी यही था कि ये किसी वजह से खुदा का मंसूबा है कि यहाँ लोग कुछ कोई कुफर करे तो कोई शिरक करे तो कोई एराज़ करे तो कोई तकबर करे तो कोई खुदा बन के कुछ देर के लिए यहाँ पर बैठे और कुछ लोग जो हैं उसको सजदे कर कर करके उसकी तस्बीहात कर करके और उसकी बड़ाई और इसकी किबरियाई करके और उसको राज़ी करके जहान से रुखत हों तो बल्कि सारा असल जो है वो परेशान होने की बात है ही ये कि जिसके अंदर से हिदायत मिलने की नेमत का आपको पूरी तरह अंदाजा होता है अगर वो सिनेरियो आपके सामने मौजूद नहीं है तो उसके बाद हिदायत का नेमत होना वो भी आप पर है वो वाजह नहीं